पता नहीं इतना वक्त क्यों लगा बॉलीवुड को एक ऐसे मुद्दे पर फिल्म बनाने के लिए जो रेप से या किसी भी हीनियस क्राइम से कम नहीं है, खास करके जो विमेन पर होते हैं। चपाक का प्रोमो देखकर आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि इट्स अ ट्रू स्टोरी, और ये स्टोरी है लक्ष्मी अग्रवाल की, जिन पर 2005 में दिल्ली में एक बहुत ही भयानक हादसा हुआ था। उनके ऊपर एसिड फेंक दिया गया था और उनसे उनका पूरा फेस डिसफिगर हो गया था। बट आयरॉनिकली एंड इंटरेस्टिंगली शी बिकेम द फेस ऑफ द एसिड अटैक सर्वाइवर्स, और उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट PILs भी फाइल की थी। ये कहानी है उनकी और उनके स्ट्रगल की एंड हाउ शी केम आउट ऑफ इट ऑल ट्रायंगल। वैसे छपाक देखने के तीन मेन रीजंस हैं, उनमें से सबसे पहला है ऑफ कोर्स दीपिका पादुकोण, शी इज आल्सो द प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म, कि उनकी पहली फिल्म है एज अ प्रोड्यूसर। दीपिका प्लेज द कैरेक्टर ऑफ मालती, जो ऑफ कोर्स लक्ष्मी का कैरेक्टर है, एंड शी मेक्स इट वेरी बिलीवेबल। जितने भी नुएंसेस है, जितने भी रिस्ट्रेंस है, और जितनी उनकी कैरेक्टर लक्ष्मी की जितनी ज़्यादा लाइवली और इतनी ईजी गोइंग है डिस्पाइट गोइंग थ्रू सच एन ऑर्डील, दीपिका ब्रिंग्स एवरीथिंग टू द स्क्रीन एंड शी डज अ वेरी ऑनेस्ट जॉब विद इट। वैसे लक्ष्मी का जो कैरेक्टर, आपने उनके बहुत सारे वीडियोज़ भी देखे होंगे जो यूट्यूब पर हैं, टेट टॉक्स के जो वीडियोज़ हैं, शी इज़ अ वेरी लाइवली पर्सन एंड शी कम्स अक्रॉस एज समबडी हु हैज़ नेवर गॉन थ्रू समथिंग लाइक दिस। She is very absolutely normal. Deepika plays all of that. The only thing that I found a little disconnecting was the fact that Deepika is a 15-year-old ka jo unka character jab unke upar ye attack hota hai wo bhi play karti hai, which is what I found a little unbelievable. Otherwise Deepika is 10/10. Is film mein Deepika ke alawa there are a few key characters, unme se of course ek hai Vikrant Messi. He is good, very well suited to the role, par dono ke beech ki jo chemistry hai wo itni zyada convincing nahi lagti, halanki it's a true story. बाकी कैरेक्टर आर्टिस्ट में देर इज़ मधुर जीत, जो दीपिका की लॉयर का रोल प्ले करती हैं, शी इज़ वेरी वेरी गुड। इसके अलावा जितनी भी बाकी एसिड अटैक सर्वाइवर्स हैं वो रियल एसिड अटैक विक्टिम्स और सर्वाइवर्स हैं, विच इज़ अ ब्रिलियंट थिंग टू डू बिकॉज दे रियली कैन फील द पेन ऑफ द कैरेक्टर दैट दे आर प्लेइंग। जहाँ फिल्म का सब्जेक्ट इतना स्ट्रांग है, वहीं उसका स्क्रीन प्ले इतना ज़्यादा एंगेजिंग नहीं है कि आपको पूरे 2 घंटे 18 मिनट तक पूरी तरीके से बांध के रख सके। इट्स नॉट ऑल दैट कंसिस्टेंट। फिल्म का फर्स्ट हाफ काफ़ी फास्ट पेस्ड है, सेकेंड हाफ में थोड़ी स्लो पड़ जाती है। कई सारे अलग अलग टाइम पे हुए इंसिडेंट्स को एक साथ दिखाने की ट्राई की जाती है और वहाँ पे थोड़ा सा स्क्रीन प्ले वीक पड़ जाता है। फिल्म का सब्जेक्ट रियलिस्टिक है बट डॉक्यूमेंट्री वाली फील नहीं आती है कहीं पे भी। वैसा नहीं लगता कि आप कोई एकदम सीरियस सब्जेक्ट देख रहे हो जहाँ पर सिर्फ रोना है। इट्स ऑल्सो वेरी एनकरेजिंग इन इट्स टोन। टू मेक इट लुक रियलिस्टिक, फिल्म का जो प्रोडक्शन डिज़ाइन है, लोकेशंस है, कॉस्ट्यूम्स है, वो सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा रियलिस्टिक है एंड इट एक्चुअली टेक्स यू टू दैट पर्टिकुलर टाइम एंड दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट, जहाँ पर आपको टेंशन भी पूरी तरीके से बिल्ड होती है एंड यू एक्चुअली ऑल्सो फील फॉर द विक्टिम्स, विच इज़ अ कमेंडेबल थिंग। चपाक का म्यूजिक बाय शंकर एहसान लॉय ओवरऑल इज एवरेज, लेकिन जो एक गाना है इट कम्प्लीटली स्टैंड्स आउट। इट्स द टाइटल ट्रैक ऑफ द फिल्म एंड इट्स रिटन बाय गुलजार, ऑफ कोर्स यू कैन नेवर गो रॉन्ग। और जब ये गाना आता है इनिशियली फर्स्ट हाफ में, इट रियली गिव्स यू द चिल्स। और ऑफ कोर्स इन सब को बांध के रखता है एक साथ मेघना गुलजार का सुपर्ब डायरेक्शन। शी इज़ गिवन अस ग्रेट फिल्म्स लाइक फिलहाल, राजी, तलवार एंड दिस इज ऑल्सो अनदर रियलिस्टिक फिल्म। शी इज़ वेरी सूटेड टू डू दीज काइंड ऑफ फिल्म्स एंड शी एक्चुअली ब्रिंग्स आउट द बेस्ट इन एवरीवन। तो वेल, ओवरऑल छपाक से तो बहुत सारी उम्मीदें थी और वो कई सारी उम्मीदों पर खरी उतरती है। जैसे मैंने आपको बता ही दिया है कितनी सारी अच्छाइयाँ हैं इस फिल्म में, कुछ प्रॉब्लम्स हैं नज़रअंदाज किए जा सकते हैं बिकॉज दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टोरी दैट नीड्स टू बी टोल्ड एंड हु बेटर देन मेघना गुलजार एंड दीपिका पादुकोण टू लीडिंग लाइट्स ऑफ बॉलीवुड टू एक्चुअली टेल यू दिस स्टोरी। Absolutely recommended. I'm going with 3.5 stars for Chhapaak.